आपके स्क्रीन पर एक आंकड़ा दिख रहा होगा। इस आंकड़े में सवाल पूछा गया है कि मोदी फैक्टर प्रभावित करेगा, जिस पर 70% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 20% लोगों ने नहीं में। इसके अलावा 10% लोगों ने नहीं पता में जवाब दिया है। दरअसल ये आंकड़े दक्षिण दिल्ली निर्वाचन क्षेत्रों पर हुए सर्वे में लोगों से पूछा गया था। गौरतलब है कि दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। मौजूदा समय में सभी पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने 2014 और 2019 चुनाव में 7 सीटें जीती थी। अब सर्वे में पूछा गया कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर काम करेगा। साथ ही दक्षिणी दिल्ली के वर्तमान सांसद के प्रदर्शन का आकलन भी किया गया। जब लोगों से सवाल पूछा गया कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर काम करेगा, इस पर 70% लोगों ने कहा कि हाँ, दिल्ली में मोदी फैक्टर काम करेगा, जबकि 20% लोगों ने कहा कि दिल्ली में मोदी फैक्टर काम नहीं करेगा। वहीं 10% लोगों ने पता नहीं में जवाब दिया। इसके अलावा अब आप इस दूसरे आंकड़े को देखिए, जिसमें लोगों से सवाल पूछा गया कि क्या आप अपने सांसद के कामकाज से संतुष्ट हैं। दरअसल ये सवाल था दक्षिणी दिल्ली के बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी के लिए। बिधूड़ी दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं और लोगों से सर्वे में पूछा गया कि क्या आप अपने सांसद के कामकाज से संतुष्ट हैं। इस पर 55% लोगों ने कहा कि हाँ, वे बीजेपी सांसद के कामकाज से खुश हैं, जबकि 40% लोगों ने कहा कि उन्हें बीजेपी के कामकाज से संतुष्टि नहीं है, जबकि 5% लोगों ने नहीं पता में जवाब दिया। वहीं अब आप इस तीसरे आंकड़े को देखिए, जिसमें पूछा गया कि 2024 चुनाव में मौजूदा सांसद को क्या आप वोट देंगे। दरअसल ये सर्वे भी दक्षिणी दिल्ली के लिए ही था। इस पर 58% लोगों ने कहा कि हाँ, वे अपने मौजूदा सांसद को वोट करेंगे, जबकि 40% लोगों ने कहा कि वे अपने मौजूदा सांसद को वोट नहीं करेंगे। इसके अलावा 2% लोगों ने कहा कि उन्हें पता नहीं है। गौरतलब है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था। 2024 में एक बार फिर से लोकसभा चुनाव है और उससे पहले ये सर्वे सामने आया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।